ये तो उनको जब उद्धव ठाकरे जी को जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया ना, जी तब तो सर्वाइवल के लिए ही बनाया था, क्योंकि तब से उनको पता चल गया था कि अगर कांग्रेस को साथ में रखने के लिए अभी मौका नहीं देंगे और अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो हम हार जाएंगे पीछे जा करके। पर बाद में उनको पता नहीं था कि ये सब काम करने के कारण उनकी पार्टी में ही रिवोल्ट हो जाएगा और अजीत पवार दादा का घट अलग हो जाएगा और मैक्सिमम एमएलए उनको छोड़ के चले जाएंगे। अब जब वो अकेले हो गए हैं, आने वाली लोकसभा में भी उनकी सीटें कितनी आती है वो ही जाने, पर मुझे लगता है कि एक प्रकार का असंतुष्टता, इनको फ्रस्ट्रेशन में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि शरद पवार साहब कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, वो हमेशा स्फूर्ति में रहते हैं, अपनी जो बातें हैं उनके ऊपर वो लाइव रहते हैं, वो उनके अंदर एक विशेष गुण है। पर अभी उनका एनालिसिस जो है वो सही है कि आगे जाकर के छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाएगी, पर यहां मैं डिफर हूं, कांग्रेस में क्यों विलय हो जाएगा? मुझे लगता है कि जैसे एक जमाने में जनता पार्टी का उदय हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, ऐसा ही कोई एक पार्टी विशेष का उदय अभी आने वाले सालों में होगा कि जो बीजेपी के सामने अपनी आवाज एक अच्छे विरोध पक्ष बनकर के उठा सकती है।